हम करेंगे प्रॉब्लम 3.5 और 3.6। 3.5 में प्रूव दैट द फील्ड इज यूनिकली डिटरमाइंड व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन ऑन आइदर वी और नॉर्मल डेरिवेटिव पार्शियल वी और पार्शियल एन इज स्पेसिफाइड ऑन ईच बाउंड्री सरफेस। डू नॉट अज्यूम बाउंड्रीज आर कंडक्टर्स और डेट वी इज कॉन्स्टेंट और एनी गिवन सरफेस। सेम एज द प्रूफ ऑफ द सेकेंड यूनिकनेस थेरम। सेकेंड यूनिकनेस थेरम में हमने सर्फेस हमने ग्रीन्स थेरम या फिर डाइवर्जेंस थेरम को यूज़ किया था, जिसमें हम सर्फेस से वॉल्यूम में गए थे। अब इसमें हमारे पास ये इक्वल होता था सरफेस से वॉल्यूम में 7e3 का स्क्वायर डी टाउ। अब ये चीज़ कैसे आई है इसको देखेंगे। ये क्लोज लूप नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। अब इस पर हम ये वाली टर्म लेंगे, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट टर्म ऐसे ही v3, सेकेंड का डेरिवेटिव बन जाएगा del e3, देन प्लस अब e3 ऐसे ही फर्स्ट टर्म जो थी वो del v3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सरफेस से वॉल्यूम में जाते हैं तो डी टाउ। ये चीज़ किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के। इसकी वैल्यू ज़ीरो। अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह गई e3 del v3 और साथ में डी टाउ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होती है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे पास डेल वी गिवन है, तो इट मींस के del v3 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ e3 के। इसकी वैल्यू पुट करेंगे e3 माइनस e3 डी टाउ। ये चीज़ हो जाएगी -3 का स्क्वायर डी टाउ। अब v3 हमारे पास ज़ीरो तब होता है, एक कंडक्टर है उसमें v3 कब ज़ीरो होगा, जब हमारे पास उसकी बाउंड्री कंडीशन गिवन होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि व्हेन चार्ज डेंसिटी इज़ गिवन आइदर ऑन वी और नॉर्मल डेरिवेटिव इज स्पेसिफाइड ऑन ईच बाउंड्री सरफेस। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाइड है और चार्जेस भी गिवन थे। अब इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर हमारे पास या v3 ज़ीरो होता है जब v स्पेसिफाइड ऑन द सरफेस और e3 परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये जब हमारे पास नॉर्मल डेरिवेटिव गिवन हो तो तब ये परपेंडिकुलर हो तब ये भी ज़ीरो होगी। तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि और नॉर्मल डेरिवेटिव इज स्पेसिफाइड, तो हम यहाँ पे e3 को भी क्या लेंगे, ज़ीरो। e3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो ज़ीरो डी टाउ भी उधर गया, सिर्फ ये टर्म रह गई। अगर e3 ज़ीरो है तो इट मीन्स के e2 इज इक्वल्स टू e1। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी जो कि हमने सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम से प्रूफ की। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 3.6। उसमें उन्होंने कहा है कि मोर एलिगेंट प्रूफ ऑफ द सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम यूजेस ग्रीन्स आइडेंटिटी। जब हमारे पास टी इज इक्वल्स टू यू, यू इज इक्वल्स टू वी ऑफ 3। ये सेम ऐसे करना है क्योंकि उसमें भी हमने सेकेंड यूनिकनेस थ्योरम का प्रूफ किया था, इसमें भी हमने उसी चीज़ को प्रूफ करना है। लेकिन इसमें हमारे पास गिवन है कि टी इज इक्वल्स टू v3 और वही ग्रीन्स आइडेंटिटी मीन्स के डाइवर्जेंस थ्योरम के जरिए प्रूव करना है। सेम उसी तरह हम ये वाली टर्म लेंगे v3 इज इक्वल्स टू, अब उसमें हमने e3 लिए थी क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी थी। अब इसमें v3 गिवन है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि del v3 .dA। आगे इस पे भी हम उसी तरह सेम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और वॉल्यूम में चेंज करेंगे। v3 ऐसे ही, अब इसके ऊपर जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डेल स्क्वेयर हो जाएगा प्लस del v3 फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म ऐसे ही और वॉल्यूम में गए डी टाउ। अब हमारे पास del v3 इज इक्वल होता है लैप्लेशियन का del square v1 माइनस del square of v2। जब हमने यूनिकनेस थ्योरम किए थे तब हमने ये चीज़ देखी थी। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि अगर चार्जेस हों तो तब हम रो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि del square v3 हमारे पास ज़ीरो होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे कि माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट पॉइज़न इक्वेशन प्लस
जब चार्जेस होते हैं तो हम पॉइजन इक्वेशन यूज़ करते हैं, मीन्स कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। अब ये कैंसिल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। भी इसका मतलब ये चीज़ क्या हो गई, ये पूरी टर्म ज़ीरो, सिर्फ ये वाली टर्म रह गई। अब डेल वी थ्री तो इक्वल होगा माइनस ऑफ ई थ्री, माइनस ऑफ ई थ्री, और यहाँ पर भी माइनस ऑफ ई थ्री, दोनों की वैल्यूज डाल दी इन दोनों की। अब ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ई थ्री का स्क्वायर और डी टाउ। अब बाकी इसको सेम हम पहले की तरह करेंगे कि इसको इज इक्वल्स टू, ये सारी बातें लिखेंगे और इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ये सारी टर्म वहाँ जाके ज़ीरो। ई थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स के ई वन इज इक्वल्स टू ई ऑफ टू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।